देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन और लॉकडाउन को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाने की मांग कर दी है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वैक्सीन पर ट्वीट कर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंच वाली मोदी सरकार अपने देशवासियों को वैक्सीनेशन इनोक्यूलेशन टीकाकरण करने की बजाय वैक्सीन को दूर दराज के देशों में एक्सपोर्ट करने पर ज्यादा बल दे रही है, ज्यादा वजन दे रही है। जहां तक एड का सवाल है, हमने लगभग, जैसा मैंने कहा, 107 लाख 1 करोड़ और कुछ वैक्सीन हमने बाहर भेजे हैं। किसको मुख्यतः हमने एड दिया? हमने एड दिया है अपने नेबरिंग 7 देशों को, जो हमारे देश के आसपास जो 7 देश हैं, जो 7 मुल्क हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, उनको हमने एड दिया। और कितना एड दिया? 78.5 लाख डोजेस। इन 1 करोड़ से थोड़े अधिक जो डोजेस हमने एड के रूप में दिए, उसमें 78 लाख डोजेस हमने अपने देश के आसपास के देशों को दिया। उस पर भी आप सवाल खड़ा कर सकते थे कि क्या आवश्यकता है बांग्लादेश को देना, क्या आवश्यकता है बाकी देशों को देना। देखिए, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये डिप्लोमेसी के साथ साथ ये एपिडेमियोलॉजी भी है। कैसे एपिडेमियोलॉजी? अगर आप अपने देश के आसपास के देशों की सुरक्षा की चिंता भी करते हैं, थोड़ी बहुत चिंता करते हैं, उनको मदद करते हैं, तो ये वायरस जो बाउंड्रीज नहीं जानता है, ये वायरस जो सरहदें नहीं जानता है, आप अपने देश और अपने देश के जो बाउंड्री वाले स्टेट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी 2 लाख डोजेस हमने किसको दिए? हमने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो संयुक्त राष्ट्र का पीस कीपिंग फोर्स होता है, हमने उसको दिया है। संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग फोर्स को क्यों दिया? आपको जान के खुशी भी होगी और आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि किस प्रकार का भ्रम फैलाया गया। 6,600 इंडियन सोल्जर्स जो हैं, जो हिंदुस्तान के जवान हैं, वो आज सरहद से दूर, हमारे देश के सरहद से दूर, संयुक्त राष्ट्र के लिए और पीस कीपिंग के लिए काम कर रहे हैं। वो भिन्न भिन्न देशों में प्लेस्ड है। अगर हमने पीस कीपिंग फोर्स को 2 लाख डोजेस दिया था, तो अपने जवानों को किस तरह दोनों डोजेस लग सके, हमारे जवान जो हमारे देश से बाहर रह के भी हमारे देश के हितों की रक्षा कर रहे हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए वो डोज दिए थे। बाकी जो 5.5 करोड़ डोजेस हैं, लगभग 84% जो है, वो क्यों बाहर भेजा गया? वो एड नहीं है, वो ग्रांट नहीं है, वो कोई सहायता नहीं है, वो लायबिलिटी है, वो कंपल्शन है। 2 प्रकार की लायबिलिटीज होती है, एक है कॉमर्शियल लायबिलिटी और दूसरा है लाइसेंसिंग लायबिलिटी। कॉमर्शियल लायबिलिटी क्या है? कॉमर्शियल लायबिलिटी है, ये 2 कंपनी भारत की जो भारत में मैन्युफैक्चर कर रही है वैक्सीन, कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन की भारत बायोटेक, इन्होंने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट देश के बाहर बुकिंग्स ली थी और कुछ एडवांस पेमेंट लिया था। और जिन देशों से ये रॉ मटेरियल लाते हैं, आप देखिए, कोई भी वैक्सीन बनता है, कोई भी उत्पाद बनता है, उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। जिन देशों से ये कंपनीज रॉ मटेरियल लेते हैं, उन देशों के साथ बैठ करके रॉ मटेरियल लेते समय इन्होंने कुछ करार साइन किए थे कि ठीक है, आपसे हम रॉ मटेरियल लेंगे, बदले में हम आपको कुछ वैक्सीन बुकिंग के लिए अलाउ करेंगे, अर्थात हम पेमेंट लेंगे, एडवांस पेमेंट लेंगे, मुफ्त में नहीं देंगे, और बुकिंग करके आपको वो जो उत्पाद निकलेगा रॉ मटेरियल से वो पहुंचाएंगे। ये तो कॉमर्शियल लायबिलिटी है। आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, बदले में पैसा लेकर के आप उनको वैक्सीन दे रहे हैं, ये अनिवार्य है। दूसरा जो लायबिलिटी है, दूसरी लायबिलिटी है आपकी लाइसेंसिंग लायबिलिटी। लाइसेंसिंग लायबिलिटी होती है केवल SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड के लिए, कोवैक्सीन के लिए नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन भारत का ही कंपनी है और भारत बायोटेक भारत में ही मैन्युफैक्चर करती है, इसलिए उसका लाइसेंस बाहर से नहीं आया है। कोविशील्ड के लिए जो SII ने लाइसेंस लिया है, वो एस्ट्राजेनिका से लिया है, ऑक्सफर्ड का लाइसेंस। तो स्वाभाविक रूप से जब ये लाइसेंस बाहर से आता है, तो आपको बाहर कुछ भेजना पड़ता है। क्यों भेजना पड़ता है? कि WHO कोवैक्स फैसिलिटी बनी है, संयुक्त राष्ट्र की जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक कोवैक्स फैसिलिटी बनी हुई है, और भारत ने 30% अपना वैक्सीन लाइसेंसिंग लायबिलिटी के अंतर्गत कोवैक्स फैसिलिटी को भेजा WHO में। क्यों भेजा? जब पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था कोरोना को लेकर, अभी भी मचा हुआ है,
और वैक्सीन को लेकर किस प्रकार वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना है, उसमें कोऑपरेशन कैसे रहेगा, सभी देश मिलकर कैसे करेंगे, तो एक कोवैक्स फैसिलिटी डब्ल्यूएचओ में बनाई गई और सभी देशों ने उसमें करार हस्ताक्षर किया, एक करार साइन किया कि ठीक है हम भी इसके हिस्से बनेंगे, रॉ मटेरियल इत्यादि हम लेंगे, बदले में हम अफोर्डेबल प्राइस में डब्ल्यूएचओ के कोवैक्स फैसिलिटी को भी कुछ वैक्सीन सप्लाई करेंगे, जिसके बदले में डब्ल्यूएचओ हमें लाइसेंस इत्यादि देगी, डब्ल्यूएचओ रॉ मटेरियल के लिए हमें मदद करेगी। 14% तथाकथित एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं है, 14% जो वैक्सीन गया है वो यूनाइटेड किंगडम को गया है। यूनाइटेड किंगडम को क्यों गया है? आपको याद होगा ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो कोविशील्ड का है, उसका लाइसेंस होल्डर ऑक्सफर्ड में है, यूनाइटेड किंगडम में है। आपको एक विषय और भी मैं याद दिला दूं, बीच में जब एक करार हुआ था और एस्ट्राजेनिका ने यह कहा था कि किसी भी कीमत पे कोविशील्ड को 50 लाख वैक्सीन प्रतिमाह हमें देना होगा यूके में, कोविशील्ड के निर्माता एसआईआई जो भारत में है, जो सब लाइसेंस होल्डर है, उन्होंने मना कर दिया था। इस पर आपको पता होगा एस्ट्राजेनिका ने कहा था कि हम लाइसेंस नहीं देंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। वो तो धन्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूके में बात किया और जिस प्रकार से यूके ने इसमें एक बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लिया, वो सब लाइसेंसिंग जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला और आज कोविशील्ड इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। 12.5% अर्थात एक छोटा सा जो वैक्सीन का कैशमेंट है वो सऊदी अरब गया कॉमर्शियल एडवांस बुकिंग के माध्यम से और पेमेंट के माध्यम से। और आपको पता होगा सऊदी अरब में जो भारत के डायस्पोरा है वो काफी बड़े तादाद में रहते हैं और उन सबको जो हमारे भारतीय भाई बहन सऊदी अरब में हैं, उनको दोनों डोजेस मुफ्त में सऊदी अरब लगा रही है।